राहुल गांधी एक शिक्षित युवा है और देश का एक भविष्य है। 21वीं सदी में अगर मुझे कहे कि अगर हम युग पुरुष मोदी जी को कहें तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा कहना, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हम रेलवे देखें, हम सड़क देखें, हम शिक्षा का स्तर देखें, हम जिस भी विकास तरफ देखें, हमको विकास की एक बड़ी लहर दिखाने को मिलती है और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं इस देश की सरकार को देना चाहूंगा और इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहूंगा। महंगाई हम भले देख रहे हैं लेकिन हम देखें कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है उसी हिसाब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि अगर अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री देश में इतना कुछ कर सकता है तो हमारे लिए अनपढ़ गंवारी प्रधानमंत्री बहुत सही है। शेर है और उसके ऊपर जो है सभी गीदड़ की तरह लगे हैं। शेर कौन है? शेर राहुल गांधी है। गीदड़ कौन है? गीदड़ सभी लोग हैं जो विपक्ष में। ये उस शेर की बात कर रहे हैं जो एक कुत्ता जब शेर के मांस छोड़ के कलर कर लेता है और कुत्ते के भेष में आ जाता है, वो सीआर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी को। अब तो ये हम सब साक्षी, दादा दादा राहुल गांधी पप्पू जानते हैं, वो मुंगेरी लाल के असीन सपने हैं जो अच्छा। जिसको देखने की सभी को स्वतंत्रता है। अच्छा ठीक है, बजरंगबली हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, ये देश हिंदुओं का है और अगर वो एक कर्नाटक का मुद्दा नहीं, अगर जहां हमारे भगवान आएंगे, जहां हमारा धर्म आएगा, वो पूरे देश का मुद्दा बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण तिवारी है। अच्छा शिवनारायण तिवारी जी कहाँ रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश चंदेरी से आया हूँ। अच्छा मध्य प्रदेश से जी। ये बताइए सर कि मोदी सरकार 10 साल हो चुका है, 9 साल हो चुका है, 10 साल पूरा होने की कगार में ही है, 24 में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार 9 सालों में आप लोग के लिए, जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या सही काम करी है, सही काम हो पाया है नहीं देश में? वर्तमान में मोदी जी क्या है, वर्तमान में मोदी जी क्या है कि सभी के पसंद है, वो देश हो या विदेश हो, वो सभी लोगों की अच्छी पसंद है और मोदी जी को सभी लोग पसंद करते हैं। अच्छा तो लगता है कि होने आने वाले समय में जो वोट होंगे वो मोदी जी के प्रति ही होंगे और वो मोदी जी का जो कार्य है वो ठीक है। अच्छा हाँ, आप बोल रहे हैं मोदी जी की जनता के प्लस में है और जनता के सपोर्ट में है। अच्छा, और जहाँ तक जनता के हित में जो कार्य कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं हाँ। अभी आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी लोगों के पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं, पसंद लोग पसंद करते हैं उनको, क्या उनमें ऐसी वजह है कि लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और विपक्षी पार्टियाँ के जो नेता हो गए उनको क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी की कार्य करने की क्षमता और उनका निर्णय लेने की क्षमता और लोगों के प्रति वो एक सहानुभूति की भावना ना रखकर वे अपनेपन की भावना रखते हैं कि मतलब लोगों किसी कार्य को तो वो तुरंत ही उनके प्रति खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए लोगों नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा पसंद करते हैं इसी वजह। और काम की बात करें तो देश के अंदर जो काम उन्होंने वादा किया था, क्या वादा पूरा कर रहे हैं लोगों के लिए? अब वादा तो उनके ऊपर है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो कब तक पूरा करेंगे ये तो वही कह सकते हैं, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनके कामों से मतलब वादा हो जो जो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं आप? हाँ, वर्तमान में कुछ विकास के जो कार्य हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐसे विकास के कार्य किए हैं जिस जो जनता के हक में है और जनता के जो हक में रहेगा वह जनता के प्रति ही रहेगा और जनता उसको पसंद करेगी। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे कि देश में महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन ये सब मुद्दा नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, खाली बस वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, जनता की मन की बात नहीं सुन रहे। नहीं, क्या है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं, मना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये आपके प्रधानमंत्री के पुत्र है ना, प्रधानमंत्री के पोते बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब वर्तमान परिस्थिति अगर देश के प्रति है तो नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आने वाले समय में हो सकता है नरेंद्र मोदी जी विकास, राहुल गांधी क्यों नहीं? अब ये तो आने वाला समय ही सुनिश्चित करेगा कि राहुल गांधी को लोग पसंद क्यों नहीं करते, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये तो हो सकता है उसकी कोई वजह होगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वरुण मिश्रा है। वरुण मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले? मैं इंदौर से आया हूँ सर। अच्छा, आप भी मध्य प्रदेश से हो? चाचा जी भी मध्य प्रदेश से जी। ये बताओ कि ये मोदी जी सही काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए? जी, 21वीं सदी में अगर मुझे कहे कि अगर हम युग पुरुष मोदी जी को कहें तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा कहना, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जिस सर्वांगीण विकास, जिस प्रकार से भारत का हम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये संभव ही नहीं था कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा नेता आता जो मोदी जी करके गए हैं, शायद ही कोई करके जाता। क्या किया भैया मोदी जी? इसके लिए तो मतलब हम सभी इसके लिए साक्षी हैं, पूरा देश इसका साक्षी है, पूरा विश्व आज साक्षी है। आज जैसे कि हम G20 की मीटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं तो G20 की जिसकी अध्यक्षता मिली भारत को, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक सफलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के लीडरशिप की बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हम रेलवे देखें, हम सड़क देखें, हम शिक्षा का स्तर देखें, हम जिस भी विकास तरफ देखें, हमको विकास की एक बड़ी लहर दिखाने को मिलती है। अच्छा। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं इस देश की सरकार को देना चाहूंगा और इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहूंगा। जो नाम लिया ना आपने, विपक्ष वाले बोल रहे सबका सब बेच दिया है मोदी जी ने, सड़क बेच दिया, रेलवे बेच दिया,
सब बेच दिया। अगर जो स्थिति आज रेलवे की है और अगर इसको कह रहे हैं ये प्राइवेट के हाथों में, तो मैं कहता हूँ कि पूरी रेलवे प्राइवेट के हाथ दे देनी चाहिए। क्योंकि आगे ये 70 सालों में जो स्थिति रेलवे की थी, अगर ये स्थिति अगर हम रहने देते तो आज रेलवे और ज्यादा घाटे में चल जाती। आज जिस प्रकार से रेल का तेजी से विकास, जिस प्रकार से वंदे भारत मातरम जो भारत की पटरी में दौड़ रही है और जिस प्रकार से रेल की स्थिति सुधरी है, उसमें एक पूरा का पूरा योगदान मोदी जी का है। अच्छा जी, मोदी जी का योगदान मान रहे हैं? बिल्कुल योगदान है। बेरोजगारी किसका योगदान मांगे? देखिए, हम जो फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, जो इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, वो पूंजी बात की कैपिटलिज्म थ्योरी है। अभी तुम जो फॉलो कर रहे थे वो मिक्स इकोनॉमी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। अच्छा। जो भी हम कैपिटलिस्ट कंट्री को देखें, चाहे अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, जैसे हम उस देश का जैसा बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसके हमको थोड़ा सा कुछ ना समझौता करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा। महंगाई हम भले देख रहे हैं, लेकिन हम देखें कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है उसी हिसाब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, आज देश से गरीबी भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। ये बताओ, आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या फिर अनपढ़ गंवार चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए और मोदी जी अनपढ़ गंवार है। देखिए, अगर अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री देश में इतना कुछ कर सकता है, तो हमारे लिए अनपढ़ गंवारी प्रधानमंत्री बहुत सही है। अच्छा, हमको ऐसा प्रधानमंत्री पूरे देश के पूरे जितने भी राज्य हैं उस सब के मुख्यमंत्री हमको अनपढ़ ही चाहिए। अगर ऐसा अनपढ़ अगर ऐसे होते हैं तो ऐसे अनपढ़ अच्छा। पूरे देश में चाहिए। हाँ। जी, मैं क्या दिक्कत है जो विदेश से पढ़ के आए राहुल गांधी, उनमें क्या दिक्कत है? विदेश से पढ़े जो ऐसा अगर विदेश से पढ़ लें आप, हॉवर्ड से निकले और फिर लौकी को जमीन से निकाल रहे हो आप, हाँ। आप 75 जैसी नई संख्या लेकर आ रहे हो, तो ऐसा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं चाहिए। अच्छा। जी, हाँ। हमको ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए जो NIT और IIT जैसे संस्थानों से है, अपने दिल्ली में अपने क्षेत्र में, हाँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों को संरक्षण प्राप्त करें, हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए। अच्छा। हमको ऐसा भी पढ़ा लिखा नेता नहीं चाहिए, हाँ। जो करोड़ों का जनता के पैसे से करोड़ों का अपना घर बनवाए आलिशान और बाहर रहकर एकदम 100 रुपए 200 रुपए की कमीज पहन के यहाँ पर दिखावा करे, ऐसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना मोदी जी हमारा घर छीन लिए। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। अगर उनकी बात को हम सीरियस लेने लगे तो आज देश गर्त में चल जाएगा। क्यों सीरियस क्यों नहीं लगे उनकी बात को आप? अब तो ये हम सब साक्षी, दादा राहुल गांधी पप्पू जानते हैं, देखो जानते हैं। तो उनके लिए उनके लिए हमको कोई अतिशक्ति की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी कैसे हैं उनके लिए सब साक्षी हैं, सब जानते हैं उनको। जी, तो क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं मोदी से लड़ने के लिए 24 में? साम दाम दंड भेद सब अपना रही हैं, तो क्या कर पाएंगी मोदी जी का? क्या हरा पाएंगी या फिर बहुमत से दूर कर पाएंगी, क्या करेंगी? देखिये, 2024 में हम श्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। हो सकता है कि अगर विपक्ष साथ में आकर गठबंधन करके लड़ाई रहे, हर विधानसभा हर लोकसभा चुनाव में अगर अपने पार्टी से वो जो प्रतिनिधि है वो उठ जा रहे, तो 16 सीट में कुछ इजाफा हो सकता है, थोड़ी सीट में ज्यादा बढ़त आ सकती है। लेकिन 2024 में निश्चित रूप से नहीं, ये 200% प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की। 200% बोल रहे हैं? 200%। अच्छा जी, विपक्ष वाले बोल रहे इस बार हम आएंगे। विपक्ष वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो अच्छा, जिसको देखने की सभी को स्वतंत्रता है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं, अभी 3 राज्य के चुनाव हैं, इसका आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। ये बताओ मुझे आप, अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, उसके बाद राजस्थान में आएगा, फिर आपके मध्य प्रदेश में चुनाव है, बोल रहे सब सेमीफाइनल है। हाँ। सेमीफाइनल में मोदी जी को ऐसा धूल चटाएंगे ना कि फाइनल में उनका मतलब कि पूरा मटिया मेल हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। देखिए, राज्य के जो चुनाव है, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर आए इंडिया गेट देखने आए, आप भी एक मीडिया संस्थान चलाते हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं वो राज्य स्तरीय मुद्दों के लिए लड़े जाते हैं। जैसे कर्नाटक में अभी देखेंगे कि एक बजरंगबली का मुद्दा आ गया, हम बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा आ गया, तो राज्य के चुनाव जो होते हैं राज्य स्तरीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। अच्छा। देश का चुनाव देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है। और जीवित पूरे देश का मुद्दा बना रही है ना बजरंगबली को। बजरंगबली हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, ये देश हिंदुओं का है, और अगर वो एक कर्नाटक का मुद्दा नहीं, अगर जहां हमारे भगवान आएंगे, जहां हमारा धर्म आएगा, वो पूरे देश का मुद्दा बनेगा। कांग्रेस भी तो हिंदू को मानती है, राहुल गांधी भी तो भक्त हैं, वो भी तो पूजा पाठ करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो कैसा बोलेंगे? टोपी भी पहनते हैं। तो क्या गुनाह है क्या टोपी पहनना? टोपी पहने बिल्कुल गुनाह नहीं है। भैया जो यहाँ जो यहाँ आओ यहाँ आओ आओ आओ, क्या नाम है आप, खड़े रहो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, कहाँ रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से? जी जी। ये बताओ भाई साहब, मध्य प्रदेश थे अभी, सुने क्या बोल रहे थे? ये तो मोदी का गुणगान कर रहे, बोले मोदी जी आने वाले। नहीं नहीं, मैं भी भजन दल का एक सदस्य हूँ। अच्छा, आप भी सदस्य हैं? हाँ, मैं भाई की बात सुन रहा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक का जो मुद्दा है, हम सब उसके समर्थन करते हैं। बजरंग दल का तो बैन करने की बात कर रही है कांग्रेस?
बैन करने की बात कांग्रेस क्या मैं आने वाला कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, बैन की बात तो अलग है। अच्छा, बात कर रहे थे, मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हो? समर्थन करता हूँ, मैं इसलिए राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ, राहुल गांधी एक शिक्षित युवा है और देश का एक भविष्य है। अच्छा, भविष्य है। जी जी, मैंने प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है, उनको मैंने देश दिया संभालने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से देश को संभाले भी और सब लोग जानते हैं कितने अच्छे से देश को चला रहे हैं। लेकिन आप बताओ ना, कितने अच्छे बदलाव, बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत, बदलाव क्यों, बदलाव की जरूरत है भैया? 2014 आपको अच्छा काम मिल रहा है तो बदलाव की जरूरत क्यों? नहीं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए और आपके लिए भी सही नहीं है। जैसे कि अभी आपके मीडिया संस्थानों के लिए जो जो प्रतिबंधित लगाई गई है। कहाँ पे है? अभी एक हमारे बिहार का एक मीडिया था, मनीष कश्यप। बिल्कुल, तो बिहार सरकार ने लगाया। बिल्कुल, हम लोग उसके लिए यहाँ पर जनता, तमिलनाडु की सरकार ने लगाया। बिल्कुल, हम लोग कई दिनों से उसके लिए धरना बैठे हुए थे, हम लोग उनका समर्थन कर रहे थे। मोदी दोषी है क्या उसके लिए? नहीं नहीं, उसके लिए मोदी दोषी नहीं है। उसके लिए मुद्दा कहाँ से आ गया फिर? नहीं, ये अलग मुद्दा आ गया। ये मुद्दा इसलिए आ गया क्योंकि बिहार के ही नहीं बल्कि देश का एक चर्चित यूट्यूबर था, एक पत्रकार था। वो मुद्दा छोड़िए, आप ये बताइए राहुल गांधी क्यों आजकल राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पर जिस तरह से एक युवा है और कहते हैं कि एक युवा है, एक शेर है और उसके ऊपर जो है सभी गीदड़ की तरह लगे हैं। शेर कौन है? शेर राहुल गांधी है। गीदड़ कौन है? गीदड़ सभी लोग है जो विपक्ष में, जो सभी लोग। राहुल गांधी शेर है, बाकी सब गीदड़। ये उस शेर की बात कर रहे हैं, ये उस शेर की बात कर रहे हैं जो एक कुत्ता जब शेर के मांस ओढ़ के कलर कर लेता है और कुत्ते के भेष में आ जाता है, वो सीआर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी को। और 55 साल की अगर देश को युवा बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई साहब के लिए कुछ खास है युवा की डेफिनेशन। अच्छा, हाँ, बोल रहे बदलाव की जरूरत है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है आपको। मैंने जैसा पहले कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और 2024 में प्रधानमंत्री के रूप पर नरेंद्र मोदी जी सीट में बैठने वाले हैं और उसके बाद भारत जो फिर से भारत का जो हम अगर आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अगर 2024 में भारत फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं तो हम देश विश्व की सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। विश्व गुरु की बात हो रही है। देखिए, विश्व गुरु जी अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही थी। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नाम का एक मुद्दा रह गया, चुनावी मुद्दा रह गया, वो हिंदू राष्ट्र बन नहीं रहा है। वैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, वो आज से नहीं सब दिन से हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन एक मुद्दा क्यों बना दिया हिंदू राष्ट्र बनाने का? राहुल गांधी इसलिए अच्छे नेता है और राहुल गांधी को मैं बार बार युवा क्यों कह रहा हूँ ये समझने की बात है। वो 50 साल के युवा है वो। अच्छा जी, और कुछ लोग पप्पू कहते हैं, कुछ लोग गुड्डू कहते हैं, कुछ लोग लड्डू कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, लेकिन वो 50 साल के युवा है भाई। 50 साल के युवा है। मोदी जी कौन है? मोदी जी तो अब उसका तो उम्र खत्म हो गया ना। अच्छा, मोदी जी की उम्र खत्म हो गई। अब बोल रहे हैं मोदी के बाद योगी को लाना है आपको? नहीं नहीं, योगी आएगी उसका भी स्वागत है। अच्छा, योगी आए तो स्वागत है, लेकिन मोदी के अलावा राहुल चाहिए। राहुल चाहिए, राहुल चाहिए 2024 में। राहुल चाहिए 24 में। राहुल चाहिए 24 में। राहुल जो विपक्षी पार्टियां सब एक हो रही है ना, सब प्रधानमंत्री बनना चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक होने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री बनना चाह रही है भैया, आपके नीतीश कुमार भी बनना चाह रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं है। लायक नहीं है, लायक ही नहीं है। वो बिहार को बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो देश को भी बर्बाद कर देगा। हाँ, वो मुख्यमंत्री के ही लायक ठीक है। हाँ, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। समर्थन मांग रहे सबका? नहीं, नहीं, समर्थन से क्या होगा? बेवकूफ होगा जो समर्थन करेगा। अच्छा, उनका समर्थन कौन करेगा? अच्छा, उनसे 15 साल में 17 साल में बिहार नहीं संभाल पाया। अच्छा, वो देश को क्या संभाल लेंगे? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ठीक है दिल्ली के लिए, वो देश के लिए वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। देखिए, जैसे बात कर रहे हैं आपकी, विपक्ष आज एक हो रहा है, संगठित हो रहा है, ये हम देखिए ऊपर हो रहा है, केवल जो शीर्ष के नेता है वो संगठित हो रहे हैं। नीचे जो जो विपक्षी कांग्रेस के नेता हैं, जो बसपा के नेता हैं, जो सपा के नेता हैं, वो आज कहीं बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कहीं जनपद सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। नीचे देखें, नीचे सभी जो जितनी पार्टियां हैं वो सब खोखली हो रही हैं और सभी बीजेपी में शामिल हो रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारी देश की बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं, क्या लग रहा है उसके बाद से मोदी का कुछ छवि खराब होती दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि पूरा जितना प्रोटेस्ट है वो हाईजेक है, हाईजेक विरोधी पार्टियों द्वारा हाईजेक है। और कहीं ना कहीं ये जो देश की मतलब और कुछ माध्यम नहीं मिल रहा और जो ये चुनाव होने वाले हैं उसको किस प्रकार हम प्रभावित कर सकें, अरविंद केजरीवाल का जिस प्रकार इसमें शामिल होना, जिस प्रकार किसान आंदोलन के नेताओं का इसमें शामिल होना, ये दिखाता है कि हम किस प्रकार मोदी की इमेज को और देश की जो दिल्ली में इमेज उसको हम कैसे धूमिल कर सकें, ये पूरा प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।